हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। मैं हूं सीए राहुल सिंह। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। चलिए समझते हैं कि हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है। तो हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बेसिकली सेल परचेज का, खरीद बिक्री का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जो परचेजर होता है उसको पेमेंट एक साथ नहीं करना पड़ता, बल्कि उसको पेमेंट टुकड़ों में करने की सहूलियत मिल जाती है, सुविधा मिल जाती है। हायर परचेज के अंदर आप गुड्स आज खरीद सकते हो, लेकिन गुड्स की पूरी प्राइस आज पे करने की जरूरत आपको नहीं है। आप चाहो तो उसका कुछ पार्ट पेमेंट पे कर दो, और जो बाकी रिमेनिंग पेमेंट है उसको क्या करो कि आप आसान किस्तों में पे कर दें। यही क्या होता है हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हालांकि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस होता है, जो अपन इसी क्लास में आगे डिस्कस करेंगे कि बेसिक दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बट मोर और लेस दोनों में जो कॉमन बात है वो ये है कि दोनों में आपको पेमेंट करने की सुविधा किस्तों में मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए रीड कर लेते हैं। अंडर हायर परचेज सिस्टम द परचेजर हायरर पेज द इंटायर अमाउंट इन स्टेगर्ड वे विज मंथली, क्वार्टरली और ईयरली विद सम इंटरेस्ट। इट इज अ स्पेशल सिस्टम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। अंडर दिस सिस्टम द परचेजर पे द प्राइस ऑफ गुड्स इन इंस्टॉलमेंट। तो हायर परचेज सिस्टम क्या होता है कि आपको इसमें जो पेमेंट है आप क्या कर सकते हो, उसको टुकड़ों में पे करने की आपको आपके पास सुविधा होती है। यही क्या होता है आपका हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम नॉर्मल सेल परचेज से अलग होता है। कैसे अलग होता है? तो हायर परचेज के अंदर पहली बात तो आपको पेमेंट किस्तों में करना है। ठीक है, आपको एक कार पसंद आई, आपको 10 लाख रुपए उसकी प्राइस थी, बट आपके पास 10 लाख नहीं थे। शोरूम वालों ने बोला कि आप 1 लाख रुपए अभी पे कर दीजिए और बाकी 9 लाख रुपीज आप बाद में पे कर देना। ठीक है, तो एक तो ये इसका फीचर होता है कि आपको पेमेंट में करने की सुविधा मिल जाती है, आपको अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट आप कर सकते हो। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, वो होता है ऑनरशिप ट्रांसफर का। ऑनरशिप ट्रांसफर का ऑनरशिप ट्रांसफर का कैसे? तो हायर परचेज के अंदर क्या होता है कि जब आप गुड्स खरीदने जाते हो तो आपको उस गुड्स की ऑनरशिप नहीं मिलती है, बल्कि उस गुड्स का केवल पजेशन मिलता है। ठीक है ना, पजेशन का मतलब है कि वो गुड्स को आपको दे दिया जाता है केवल यूज करने के लिए, बट आप एक्चुअल में उसके मालिक नहीं होते हो। ये होता है आपका ट्रांसफर ऑफ पजेशन ओनली, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप नहीं। ठीक है ना, तो हायर परचेज का जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इसमें ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो ऑनरशिप इसमें ट्रांसफर कब होती है? तो ऑनरशिप हायर परचेज के अंदर ट्रांसफर तब होती है जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट या लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हो, उस टाइम पे आपके पास ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, एमसीक्यू में, कि हायर परचेज में ऑनरशिप ट्रांसफर कब होती है, तो ऑनरशिप ट्रांसफर होती है आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद। जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया गया है तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। जब आप गुड्स खरीदते हो तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि क्या ट्रांसफर होता है? पजेशन ट्रांसफर होता है, कब्जा ट्रांसफर होता है। आपको केवल उस गुड्स का कब्जा मिलता है, आपको यूज करने का हक मिल जाता है, आप यूज कर सकते हो, बट एक्चुअल में आप उसके मालिक नहीं होते हो। ध्यान रखेंगे, ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। ठीक है, तो देखो फीचर में आपका एक तो पजेशन वाला पॉइंट हो गया कि आपका केवल ट्रांसफर ओनली पजेशन। ठीक है, फिर है इंस्टॉलमेंट। तो आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, किस्तों में कर सकते हो। डाउन पेमेंट, आप 10 लाख की कार लेने गए थे, आपने 1 लाख रुपए शुरू में पे किया, 9 लाख रुपए आपको बाद में पे करने हैं। तो जो आपने 1 लाख रुपए इनिशियली पे किया है, शुरुआत में पे किया है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट बोलते हैं। फिर है कंपोनेंट ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। तो देखो कंपोनेंट को समझते हैं।
देखिए, आप 10 लाख रुपए की कार लेने गए, आपने उसको दो टुकड़ों में पेमेंट करना है आपको। एक आपने 1 लाख रुपीज अभी पे कर दिया, इस 1 लाख को हम क्या बोलेंगे? डाउन पेमेंट। ये सबको पता है। बाकी है आपका, मान लीजिए 9 लाख रुपए आपका बाकी है। अब आप ध्यान से समझो, जब आपके पास 9 लाख रुपए बाकी है, और एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप बोलते हो कि मैं इसको 10 किस्तों में मैं पे करना चाहता हूँ, ठीक है ना। हालांकि आपकी किस्तें ज्यादा होती हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपने बोला कि आप इसको 10 किस्तों में बेचना, सॉरी 10 किस्तों में इसका पेमेंट करना चाहते हो। आप बताओ कि आपकी हर किस्त की कीमत कितनी होनी चाहिए? आपके हिसाब से 90,000 रुपीज होनी चाहिए। एक किस्त की कीमत 90,000 रुपए, तो 10 में कितना हो जाएगा? 9 लाख का पेमेंट होगा। बट एक्चुअली में आप देखोगे कि आपको 90,000 रुपए से ज्यादा की इंस्टॉलमेंट बनेगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपकी इंस्टॉलमेंट बनी 95,000 रुपीज की, 95,000 की। इसका मतलब कि आपने पेमेंट कितना किया? 9,50,000। जबकि आपको पेमेंट कितना करना था? 9 लाख रुपीज। आपको 9 लाख का भुगतान करना था, आपने कितना भुगतान किया? 9,50,000। तो आपने एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट कितना पे किया? 50,000 रुपए का 50,000 आपने एक्स्ट्रा पे कर दिए। इस 50,000 को हम बोलते हैं इंटरेस्ट, या इसी को बोला जाता है हायर चार्जेस, हायर चार्जेस, या इसी को बोला जाता है फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो जो हायर परचेज के अंदर जो आप पेमेंट करते हो ना, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है आपका 9 लाख रुपीज, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल और दूसरा क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करते हो वो क्या होता है आपका? इंटरेस्ट, हायर चार्ज या फाइनेंस कॉस्ट। तो हायर परचेज के अंदर पेमेंट के कितने कंपोनेंट हो गए? दो कंपोनेंट हो गए, एक प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट, ठीक है। इसीलिए हायर परचेज के अंदर जब आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो, तो नॉर्मल कॉस्ट से ज्यादा में पड़ता है आपको, नॉर्मल प्राइस जो है उससे ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी शामिल हो जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा टाइम आप, टाइम ड्यूरेशन लेंगे पेमेंट करने के लिए, अगर आप 5 साल के अंदर पेमेंट कर रहे हो तो कम इंटरेस्ट, आप 6 साल के अंदर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट, 10 साल में कर रहे हो तो थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, आपकी जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो कंपोनेंट का मतलब हो गया कि जो आप पेमेंट कर रहे हो उस पे क्या क्या पार्ट है। तो उसके अंदर दो पार्ट है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हमेशा कब होगी? जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। फिर है रिपजेशन। रिपजेशन का मतलब होता है कि गुड्स को आपसे वापस ले लेना, ठीक है ना, छीन लेना। तो हायर परचेज के अंदर क्या होता है कि जो हायर वेंडर होता है, या ये समझिए जो सेलर होता है, हमारे एग्जाम्पल में जो शोरूम वाला है, तो अगर आप डिफॉल्ट कर देते हो पेमेंट करने में, जो हायर परचेजर है वो डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट करने में किसी भी इंस्टॉलमेंट का, तो हायर वेंडर के पास ये हक होता है, ये अधिकार होता है कि वो गुड्स क्या करे? वापस ले ले। नॉर्मल सेल परचेज में ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार गुड्स खरीद लिया तो आपका हो जाता है, ठीक है। बट हायर परचेज के अंदर क्या होता है कि जो सेलर है, हायर वेंडर है, उसके पास ये राइट्स होगा कि वो गुड्स को कभी भी आपसे वापस कर सकता, वापस ले सकता है, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो। तो यहां तक कि आपकी 10 इंस्टॉलमेंट है, 9 आपने पे किया और आखिरी इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं कर रहे हो, तो आपकी, आपका गुड्स क्या कर लेगा? वो वापस ले सकता है, ठीक है। हायर परचेज के अंदर बेसिकली दो पार्टियां होती है। अभी मैं हायर वेंडर का नाम ले रहा था तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दो पार्टियां होती हैं हायर परचेज में। एक होता है हायर परचेजर, हायर परचेजर, और दूसरा होता है हायर वेंडर, हायर वेंडर, ठीक है। आप ऐसे समझो, हायर वेंडर मतलब इजी लैंग्वेज में, वैसे सेलर इसको नहीं बोलते हैं, बट इजी लैंग्वेज आप समझो कि सेलर या बेचने वाला, और हायर परचेजर मतलब जो गुड्स को परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। तो ये थे क्या हायर परचेज के फीचर्स, अधिकार। तो यहां पे केवल पजेशन ट्रांसफर होगा, केवल कब्जा ट्रांसफर होगा, किस्तें आप किस्तों में भुगतान कर सकते हो, डाउन पेमेंट इनिशियली आपको जो पेमेंट करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट बोलते हैं। किस्तों के घटक, तो दो कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। स्वामित्व का हस्तांतरण आखिरी किस्त के भुगतान के बाद ही होगा, जब तक आखिरी किस्त का भुगतान नहीं होगा, जब तक ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है। पुनर्ग्रहण या रिपजेशन मतलब अगर किस्त
पे करने में डिफॉल्ट होता है, तो जो हायर वेंडर है या जो सेलर है वो गुड्स को वापस ले सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, चलो। गवर्निंग एक्ट, तो हायर परचेज, ये बातें मैं जो बोल रहा हूँ इसको किसी एक्ट में भी लिखा होगा, ठीक है, एक्ट के थ्रू ही अधिकार दिए गए होंगे हायर परचेजर या हायर सेलर को, तो उस कौन सा एक्ट कंट्रोल करता है, इसको गवर्न करता है, तो हायर परचेज एक्ट 1972, हायर परचेज एक्ट 1972, ठीक है, जो कब से लागू हुआ था, 1 सितंबर 1973, याद रखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस में कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं जो लगता है बहुत हमें आसान, यार ये तो बहुत आसान है, नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कि ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है, तो आखिरी इंस्टॉलमेंट के साथ कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि रिपोजिशन क्या होता है, तो बहुत आसान सी दिखने वाली चीजें भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और कई बार हम क्या होता है, जो बहुत आसान लगता है ना उसको छोड़ के चले जाते हैं कि हो गया, और एग्जाम में वो फिर याद नहीं आता है, तो आप हर पॉइंट्स को ध्यान से देखते चलेंगे। इसीलिए मैंने नोट्स भी ऐसे डिजाइन किए हैं कि आपको मैंने पूरा पैराग्राफ एक साथ नहीं दिया, बल्कि इसको तोड़ तोड़ करके अलग अलग दिया है, जिससे आप एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ पाए। चलिए, तो ये हो गई हमारी गवर्निंग एक्ट की बात। अब देखते हैं कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, पहले अपन कॉमन पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, कि दोनों में आपको पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना है, टुकड़ों में करना है। एक और कॉमन पॉइंट क्या है, कि दोनों में आपको जो नॉर्मल सेल प्राइस होता है उससे कुछ ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है, मतलब दोनों में ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये इसके क्या है, दोनों के कॉमन पॉइंट है। डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो है ऑनरशिप को लेकर, ऑनरशिप को लेकर के, ठीक है। तो देखो, हायर परचेज में क्या होता है कि ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर लेते हो, ठीक है, आखिरी इंस्टॉलमेंट, ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पे कर लेते हो तब हायर परचेज में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में पहली किस्त के साथ ही ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, मतलब जैसे ही आप खरीदने गए वैसे ही ऑनरशिप आपकी क्या हो गई, ट्रांसफर होगी, आपको अधिकार मिल गया, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे कि सर इस हिसाब से तो अगर हमें दोनों में ही टुकड़ों में पेमेंट करने का मौका मिल रहा है, हम हायर परचेज में भी टुकड़ों में कर सकते हैं, किस्तों में कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट सेल में, इसमें आपको ऑनरशिप नहीं मिल रही है, इसमें आपको तुरंत ऑनरशिप मिल जा रही है, तो हर कोई तो इंस्टॉलमेंट सेल ही कर, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ही में ही गुड्स परचेज करेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, होता क्या है कि हायर परचेज सिस्टम वहां पे काम आता है जहां पे जो गुड्स है ना उसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा है, मतलब अगर आप कोई गुड्स आपको हायर परचेज पे ले रहे हो, उसको यूज करने के कुछ दिन बाद अगर उसको फिर से मार्केट में बेचा जाता है एज अ सेकंड हैंड, तो उसकी कुछ वैल्यू मिल जाए, वहां पे क्या फॉलो होता है, हायर परचेज। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम वहां पे फॉलो होता है जहां पर रीसेल वैल्यू कुछ भी कुछ नहीं होती है, ठीक है ना, एक बार गुड्स नया था तब तो उसकी वैल्यू थी, सेकेंड हैंड गुड्स की उसमें कुछ खास वैल्यू होती नहीं है, वहां पे कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, इंस्टॉलमेंट सेल्स फॉलो होता है, ठीक है। तो हायर परचेज जनरली उस वहां पे फॉलो होगा जहां पे उस गुड्स की रीसेल वैल्यू है, जैसे कार वगैरह परचेस हो गई तो वहां पे ये फॉलो होता है, बिजनेस के अंदर बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, ठीक है, जो करोड़ों की होती है, जो किसी बिजनेस को एक साथ परचेस करना पॉसिबल नहीं होता है, वो हायर परचेस पे ले लेते हैं, क्योंकि वो ऐसी मशीनरी है जिसकी रीसेल वैल्यू रहेगी, हमेशा रहेगी, या अच्छी खासी रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल्स वहां पे होगा जहां पे रीसेल वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल खरीदने जाओ, तो मोबाइल खरीदने में आपको हमेशा वो इंस्टॉलमेंट सेल सिस्टम पे ही मिलेगा, आपको वो हायर परचेस सिस्टम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मोबाइल खरीदा, आपने 4 महीने यूज किया, 4 महीने तक आपने किस्तें दी, 5वें महीने से आपने किस्तें नहीं दी, तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि आपका जो जिसने गुड्स आपको बेचा था वो रिपर्चेस कर लेगा, क्योंकि रिपर्चेस करने का कोई मतलब नहीं है ना, आप तो खुशी खुशी बोलोगे कि ले जाओ मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, 4 महीने दिया हूं, ले जाओ मैं दूसरा खरीद लूंगा, लेकिन इससे क्या होगा, जो बेच रहे उसको तो घाटा हो जाएगा ना, क्योंकि मोबाइल की रिसेल वैल्यू नहीं होती है, आप 20,000 का फोन है उसको बेचने जाओगे ना, आपको 10,000 में बहुत मुश्किल से बेच पाओगे, आप 1 महीने बाद भी बेचने पाओगे, 2 महीने बाद भी अगर बेचने जाते हो उसको, तो आपको उसके 20,000 के फोन की 10,000 की वैल्यू मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा,
तो उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, इसलिए दुकानदार क्या करते हैं ना, वो हमेशा इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे ही देगा कि हम आपसे गुड्स वापस नहीं लेंगे, बल्कि अगर आप डिफॉल्ट करते हो इंस्टॉलमेंट पे करने में तो हम आप पर सूट फाइल करेंगे कि आप हमें बाकी पेमेंट दो। तो हायर परचेज के अंदर क्या होगा, बड़े गुड्स जिनकी रीसेल वैल्यू है वहां पे फॉलो होता है, यहाँ पे ऑनरशिप आपकी ट्रांसफर नहीं होती है। ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब आप गुड्स का आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, और इंस्टॉलमेंट सेल में क्या होगा, आपकी ऑनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी। बेसिकली इंस्टॉलमेंट सेल में क्या होता है कि जैसे ही आपको गुड्स बेचा गया, ठीक है ना, मान लीजिए वो 1 लाख रुपए का गुड्स था, ठीक है, आप बाइक खरीदने गए, 1 लाख रुपए की बाइक थी, आपने 10,000 रुपीज पे कर दिया डाउन पेमेंट, और बाकी 90,000 रुपीज जो है ना वो आपने क्या के बोला उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा ली। तो ये 90,000 जो होता है ना वो बेसिकली क्या होता है कि 90,000 रुपीज का ना वो आपको लोन दे दिया जाता है। उस 90,000 को क्या ट्रीट किया जाता है, एज अ लोन ट्रीट किया जाता है। जबकि हायर परचेज में ऐसा नहीं है, हायर परचेज में क्या होगा कि इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, रेंट ट्रीट किया जाएगा, है ना। तो हायर परचेज में जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो उसको एज अ रेंट ट्रीट किया जाता है कि वो गुड्स आपके पास किराए पे है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में वो ऐसे ट्रीट किया जाता है कि आपको गुड्स दे दिया गया है, ठीक है, जो बचा अमाउंट है वो एज अ लोन है। इसीलिए कल को अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो चूंकि यहाँ रेंट पे है तो वो गुड्स वापस ले लेगा, यहाँ पे रेंट पे नहीं है बल्कि 90,000 का क्या है, लोन ट्रीट किया जाएगा, तो वो लोन की रिकवरी करेगा ना कि गुड्स वापस लेगा। समझ में आई बात? चल, तो ये हो गया आपका ऑनर्स। फिर है गवर्निंग एक्ट, तो इसके लिए क्या है, हायर परचेस एक्ट 1972, और सेल्स के लिए क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। राइट टू रिटर्न, लौटाने का अधिकार, तो हायर परचेस में वापस करने का अधिकार है, ठीक है ना। आपने दो किस्तें पे की, तीसरी किस्त के बाद से आप नहीं पे करना चाहते हो, आपको सपोज करिए गुड्स पसंद नहीं आ रहा है, तो आप चाहो तो वो गुड्स वापस कर सकते हो, ठीक है ना। और इंस्टॉलमेंट सेल में ऐसा नहीं है, आपने मोबाइल खरीदा, 3 महीने यूज किया, मजा नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको वापस कर दो, आपको उसको जो है उसका जो पेमेंट है वो पेमेंट करना ही पड़ेगा। आप गुड्स को वापस करने का कोई भी राइट नहीं होता है। रिपजेशन के राइट में, तो यहाँ पे जो कि रेंटेड है, हायर परचेज मैंने ऊपर ही बताया कि इसको एज अ रेंटेड ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पे उसका क्या होगा, अगर डिफॉल्ट होता है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे करने में, तो वो गुड्स वापस ले ली, जो वेंडर है वो गुड्स वापस ले लेगा, रिपजेशन का उसके पास अधिकार होगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट सेल्स में रिपजेशन का अधिकार नहीं होगा। आपने मोबाइल खरीदा ना, आपने 4 किस्तों के बाद पेमेंट नहीं किया, तो जो आपका सेलर है ना उसके पास ये राइट्स नहीं है कि वो आपसे मोबाइल छीन ले, उसके पास क्या राइट्स आएगा कि जो बची हुई इंस्टॉलमेंट है ना उसकी रिकवरी कर ले, गुड्स वापस नहीं लेगा बल्कि आपसे क्या करेगा, वो रिकवरी करेगा। रिकवरी करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, आपसे मारपीट करेगा, मोबाइल छुड़ा लेगा, वो अलग बात है, बट एक्चुअल में उसके पास मोबाइल वापस लेने का राइट नहीं है, बल्कि जो बची हुई इंस्टॉलमेंट है वो रिकवरी करने का राइट है, जिसको हमने ऊपर क्या समझाया था आपको कि जिसको वो लोन ट्रीट कर रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? तो देखो, अगर राइट टू रिटर्न की बात करें, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है कि राइट टू रिटर्न किस में है, तो हायर परचेज में है बट इंस्टॉलमेंट सेल में नहीं है। ऐसे ही राइट टू रिपजेस, तो हायर परचेज में राइट टू रिपजेस है बट इंस्टॉलमेंट सेल्स में राइट टू रिपजेस नहीं है, बल्कि राइट टू रिकवरी ऑफ लोन अमाउंट है, ठीक है। राइट टू डिस्पोजल, राइट टू डिस्पोजल का मतलब है कि आप उस एसेट के बदले कुछ लोन ले लो, ठीक है ना, या उसका वो गुड्स आप किसी और को ट्रांसफर कर दो। तो ये सारी चीजें जो होती है ना राइट टू डिस्पोजल, वो हायर परचेस में नहीं होती, क्योंकि अभी आपके पास ऑनरशिप ही नहीं आई है हायर परचेस में। ऑनरशिप तो कब आएगी, जब आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा। तो इसलिए राइट टू डिस्पोजल, सॉरी, राइट टू डिस्पोजल हायर परचेस में नहीं होता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में राइट टू डिस्पोजल होता है, ठीक है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्क ऑफ लॉस, तो हायर परचेस में क्या होता है कि चूंकि ऑनरशिप ही ट्रांसफर नहीं हुई है, तो रिस्क किसका होगा, ऑनर का होगा। मतलब रिस्क यहां पे किसका रहेगा, हायर वेंडर का रहेगा, ठीक है। हायरर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स इफ ही हैज टेकन रीजनेबल प्रिकॉशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हायरर है या जिसमें जो परचेजर है उसको वो लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो
परचेजर है, वो जैसे ही गुड्स परचेज किया तो चूंकि ऑनरशिप उसके पास आ गई तो लॉस के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है। आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसका मतलब ये कि हायर परचेज पे गुड्स लेकर के उसको घुमाता तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, तो नहीं ऐसा नहीं है। हायर परचेज में खरीदने के बाद आपको रीजनेबल प्रिकॉशन रखने हैं, ऐसे नहीं कि आप उसको बाहर रखे हुए चोरी हो गया, आप उसको फेंक रहे हो टूट गया, ऐसा नहीं है। आप अगर रीजनेबल प्रिकॉशन रखते हो ठीक है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर नहीं होगी। आप उसको जिम्मेदारी से अगर अपने पास रखते हो तो आपकी जिम्मेदारी लॉस की नहीं होगी बल्कि किसकी होगी, वो हमेशा हायर वेंडर की रहेगी क्योंकि ऑनरशिप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुई है। नेम ऑफ द पार्टीज समझा चुका हूँ ऑलरेडी, हायर परचेजर और हायर वेंडर, और यहाँ पे सिंपल सा वायर या सेलर। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का। होप आपको ये चीजें अब समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है असर्टेनमेंट ऑफ कैश प्राइस। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले आपको हायर परचेज में ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको कैश प्राइस कैसे निकालना है। ठीक है चलिए, तो देखो कैश प्राइस का बेसिकली जो मतलब होता है, अभी मैंने समझाया था ऊपर आपको कि हायर परचेज सिस्टम में जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा क्या होता है इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, तो कैश प्राइस का मतलब बेसिकली है कि इंस्टॉलमेंट में से ठीक है जो आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही है, इंस्टॉलमेंट बन रही है उसमें से अगर आप इंटरेस्ट को माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, कैश प्राइस आ जाएगा। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। एक बाइक है, उसकी कीमत है 1 लाख रुपए, आपने परचेज किया और आपने पेमेंट किया सपोज करिए 20,000 रुपीज डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट। ठीक है, आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 80,000। अब आपको इसको 10 किस्तों में आप पे करना चाहते हो। ठीक है, तो आपकी मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनी वो बनी मान लीजिए 8,500, तो आप टोटल कितना पेमेंट करोगे, 8,500 × 10 तो ये हो जाएगा 85,000 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पे आपको 80,000 करना था, आपने पे कितना किया 85,000, तो आपका इंटरेस्ट कितना बन गया 5,000 रुपीज। ये बात समझ में आई कि इंटरेस्ट हमारा कितना बना। अब अगर मैं यहां पे पूछूं कि आपकी कैश प्राइस कितनी है, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, तो सुन कैश प्राइस तो आप देखो टोटल पेमेंट आपने कितना किया, टोटल पेमेंट आपने कितना किया, तो आपने 20,000 रुपीज डाउन पेमेंट किया था और 85,000 रुपीज आपने बाद में पेमेंट किया जाए इंस्टॉलमेंट, तो टोटल पेमेंट आपने कितना किया, 1,05,000। इसमें से आप माइनस कर दो इंटरेस्ट कंपोनेंट, इंटरेस्ट 5,000 रुपीज, तो जो बाकी अमाउंट बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कैश प्राइस। कैश प्राइस, तो बेसिकली कैश प्राइस क्या होता है, विदाउट इंटरेस्ट जो आपकी वैल्यू होती है बिना ब्याज के, या ओरिजिनल वैल्यू भी आप कह सकते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैश प्राइस। समझ में आई बात, बिना इंटरेस्ट के जो पेमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा कैश प्राइस होगा। ठीक है, ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कि कभी भी आपको दिया हुआ है कि आपने टोटल पेमेंट किया है 5 लाख का जिसमें से इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए। ठीक है, कभी आपको दिया गया मान लीजिए सिंपल सा लिखा है कि 5 लाख का आपने पेमेंट किया, 1 लाख रुपए जिसमें इंटरेस्ट था, तो कैश प्राइस कितना होगा, तो 4 लाख होगा। कैश प्राइस का सिंपल सा मीनिंग है विदाउट इंटरेस्ट प्राइस, बिना ब्याज के जो भी प्राइस है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश प्राइस बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, एक होता है विदाउट यूजिंग एन्यूटी टेबल और दूसरा होता है विद द हेल्प ऑफ एन्यूटी टेबल। बेसिकली हम दोनों ही केस में क्या करते हैं कि हम इंटरेस्ट कंपोनेंट को ढूंढ करके उसको बाहर कर देते हैं, हम इंटरेस्ट को ढूंढ करके टोटल वैल्यू में से बाहर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैश प्राइस आ जाएगा। ठीक है, कैसे बाहर करेंगे तो देखो समझते हैं। पहला है आपका विदाउट एन्यूटी टेबल, ठीक है ना, बिना एन्यूटी टेबल के
कैसे? तो देखो फॉर्मूला होता है टोटल कैश प्राइस इक्वल टू कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। ठीक है, डाउन पेमेंट में तो ऑलरेडी इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि वो शुरू में आप पे कर रहे हो, और कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि जो आपने टोटल इंस्टॉलमेंट पे की थी उसमें से इंटरेस्ट को हटा दो तो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में अगर मैं कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट की बात करूं, ये हमारा कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट कितना है, तो आपने 85,000 रुपीज टोटल इंस्टॉलमेंट पे कर रखी है, 5,000 इंटरेस्ट है, तो उसको माइनस कर दो तो आपका जो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80,000 रुपीज। समझ में आई बात? तो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा 80,000 हो जाएगा कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट कितना हो जाएगा, 20,000 इक्वल टू कितना आ गया, 1 लाख। हमने ऊपर देखा भी था ना, तो हमारा कैश प्राइस 1 लाख रुपीज ही आया था। चलो अब देखो इंटरेस्ट को कैसे बाहर करेंगे। अभी तो ये मैंने आपको एक आसान सा एग्जाम्पल दिया था जिसमें हमने इंटरेस्ट, हमें पता था कि हमारा कितना है, हमने अपने से माना हुआ था तो हमें पता था कि इतना अमाउंट हमारा इंटरेस्ट का है। लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा होगा नहीं, क्वेश्चन में तो आपको ऐसे नहीं बताएगा ना कि ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट अमाउंट पता करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सा बात है, इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कैसे? तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे, इसको ये फॉर्मूला कैसे बना वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है, मैंने बोला कि इस पे 10% इंटरेस्ट लगाओ 1 साल का। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 100 रुपए आपके पास हैं, 10% का इंटरेस्ट लगाओ 1 साल का, और बताओ उसके बाद आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, सिंपल है सर, 100 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 10 रुपए, और हमारा 100 रुपए पहले ही था तो ये हमारा कितना हो गया, 110 रुपए। मतलब अगर 100 रुपए पे 10% का मैं इंटरेस्ट चार्ज कर दूं तो वो कितना हो जाएगा, 110 रुपए। समझ में आई बात? अब इसको उल्टा सोचते हैं कि मैं आपको बोला कि ये सब छोड़ो, आपको एक अमाउंट है जो 1 साल बाद 110 रुपए हो गया 10% इंटरेस्ट लगाकर, बताओ वो 1 साल पहले उसकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी रही होगी, वो 1 साल पहले कितना रहा होगा, 1 साल बाद 110 रुपए हो गया है 10% का इंटरेस्ट लगा के, तो आप कैसे निकालोगे। आप बोलोगे सर सिंपल है, 1 1 10 करेंगे इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 1 10 कर देंगे, यही करेंगे ना। ठीक है, 1 1 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110 कर देंगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। मतलब 110 और इंटरेस्ट सबक आपका कितना आ गया, 10 रुपए, तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी रही होगी, 100 रुपए। तो आपने निकाल लिया ना यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट, कैसे निकाला आपने, 110। ठीक है, ये 110 को ही हम क्या बोलते हैं, हमारे फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट, टोटल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था, 10 था, और डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, तो हमारा भी क्या था, ये 110 किया था ना हमने, अगर इसको तोड़े तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10, तो 1 1 10 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये ऐसे ही फॉर्मूला डिराइव हुआ है बेसिकली। बेसिकली आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट उसमें से हटाना है। ठीक है, ठीक है, जिसकी मैथ अच्छी होगी तो इतना सोचेगा ही नहीं, वो तो आसानी से निकाल लेगा। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे आप कैश कंपोनेंट तक पहुंचोगे, सॉरी कैश प्राइस तक पहुंचोगे। तो देखो आशा परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम एज पर टर्म्स सी इज रिक्वायर्ड टू पे ₹40,000 डाउन। ठीक है, मतलब डाउन पेमेंट उसको कितना करना है, 40,000 रुपए। 53,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिरी में कितना पेमेंट करना है, 53,000 रुपए का। दूसरे साल में कितना करना है उसको, 49,000 का, 49,000 का एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड 33,000 एट द एंड ऑफ
थर्ड ईयर, और तीसरे साल में उसको कितना पेमेंट करना है, 33,000 रुपए का पेमेंट करना है, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ ट्रक एंड द इंटरेस्ट पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात थी यहाँ पे कि जो डाउन पेमेंट था, वो कितना था, 40,000 रुपीज। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 53,000, सेकेंड थी 49,000 रुपीज, और थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 33,000 रुपीज, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका कैश प्राइस। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट बाहर करते जाना है, तो आपका ऑलरेडी कैश प्राइस आ जाएगा। देखो देखिए, इंस्टॉलमेंट ड्यू, तो देखो सॉरी, हाँ उल्टा इसमें कैलकुलेशन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सॉरी, ये आप फर्स्ट ईयर में पहले नहीं करोगे, आप पहले थर्ड ईयर से शुरू करोगे, ठीक है। तो देखो थर्ड ईयर में इंस्टॉलमेंट ड्यू कितनी थी, तो आपको देखो थर्ड ईयर में आपको कितना पे करना था, 33,000 रुपीज, ठीक है। तो आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू कितनी थी, 33,000 रुपीज, ठीक। इंटरेस्ट कंपोनेंट इस पे कितना है, तो क्या फॉर्मूला इंटरेस्ट का था कि जो भी इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, उस टाइम पे जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100+ रेट। इसका मतलब यहां पर इंटरेस्ट कितना बनेगा, 33,000 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है, 10%, डिवाइडेड बाई 100+10 मतलब 110। तो यहां पे आपकी इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 3,000, ठीक है ना। तो यहां पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचेगा, 33,000 इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, 3,000 इंटरेस्ट है इसमें, तो प्रिंसिपल कितना रह गया, ये 30,000। समझ में आया, ये 33,000 में से आप 3,000 क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट। अब आते हैं अपन सेकंड ईयर में, ठीक है। सेकंड ईयर में तो देखो सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी जानी है, ये ने लिखा 49,000, और प्रिंसिपल जो है, ठीक है, इंटरेस्ट अगर अपन छोड़ भी दें, तो आप अगर आप सपोज करो कि सेकंड ईयर में आप उनको पूरा पेमेंट करना चाह रहे हो, आप ये सोचते हैं कि मैं सेकंड ईयर में पूरा पेमेंट कर दूं, तो आप क्या करते हैं कि जो सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट है, बट प्लस उसके साथ में जो आपका उस टाइम पे प्रिंसिपल अमाउंट बचा रहेगा, मतलब 49,000+30,000, ये आपका सेकंड ईयर का पेमेंट है। मतलब ये टोटल कितना हो गया आपका, 79,000। आप ऐसा सोचो कि सेकंड, देखो अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे ये 30,000 रुपीज है, तो सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा कि जो यहाँ का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट, आप ऐसे समझ सकते हो। बट इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप अगर सेकंड ईयर पे खड़े होकर सोच रहे हो कि आज मुझे अपनी सारी इंस्टॉलमेंट आज ही पे कर देनी है, तो आप क्या बोलोगे कि जो सेकंड ईयर का मेरा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है, मतलब हम जिसे इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, तो वो प्लस उसके बाद जो थर्ड ईयर का है, तो जी थर्ड ईयर, तो आप थर्ड ईयर में तो आप पैसा यूज नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, थर्ड ईयर का केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे करोगे, है ना, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट तो पे नहीं करोगे, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस फोर जो सेकंड ईयर में है वहां तक का क्या होगा आपका इंस्टॉलमेंट, उतना आपका क्या हो जाएगा उस टाइम पे इंस्टॉलमेंट ड्यू। तो अगर आप सेकंड ईयर में खत्म करना चाहते हैं, तो आपको 79,000 पे करना पड़ता, ठीक है। अब देखो यहां पे आप इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट हटाना है आपको, तो कैसे हटाओगे आप, फिर से वही 79,000 इंटू 10/110, तो कितना हो जाएगा,
7181, ठीक है। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचेगा? -79,000, 71818, ठीक है। फर्स्ट ईयर पे आ जाओ, तो फर्स्ट ईयर में अगर मैं बात करूं कि मैं फर्स्ट ईयर में पूरा अमाउंट खत्म कर देना चाहता हूं, तो मैं कितना पे करूंगा? फर्स्ट ईयर का जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, मतलब 53,000 प्लस जो भी आगे का प्रिंसिपल अमाउंट होगा, तो कितना है? 71818, कितना हो जाएगा ये? वन टू फोर एट वन एट, ठीक है। फिर से यहां से आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, कितना बन जाएगा ये? 11347। तो यहां पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचेगा? 11370, ठीक है। अब कैश प्राइस क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला था? कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट, यही था ना? तो आपका कितना आ गया कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट? 11370 प्लस डाउन पेमेंट कितना आपने किया था, क्वेश्चन में दिया है 40,000। तो कैश प्राइस आपकी कितनी आ गई? 153470। ये आपकी क्या आ गई? टोटल कैश प्राइस। ये वो प्राइस है जो बिना इंटरेस्ट के, मतलब अगर आप पूरा का पूरा पेमेंट एक साथ करना चाहते हैं ना, तो आपको कितना पे करना पड़ता? 153470, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट पे किया तो आपने कितना पे कर दिया टोटल? अगर इंस्टॉलमेंट की बात करें तो आपने 40,000, ये 53, ये तो आप टोटल अगर जोड़ो तो ये कितना पेमेंट हो जाएगा? 175,000, 175,000। तो इसका मतलब आपने इंटरेस्ट कितना पे किया? 175,000 का टोटल पेमेंट आया, और 153,000 विदाउट इंटरेस्ट था, तो आपने इंटरेस्ट पे किया कितना? 21530। ये आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आपने जो यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला है ना, ये भी इतना ही आएगा अगर तीनों को आप टोटल कर देते हो। देखो, 3000 प्लस 7181 प्लस 11347, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 21528, ठीक है ना। ये जो 2 रुपए का डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेशन के कारण डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये था, इस तरह से आपको क्या क्या करना है, इंटरेस्ट को माइनस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? कैश प्राइस मिल जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, अब देखो, अगर आपको एन्युटी मेथड से करना है, तो एन्युटी मेथड का सिंपल सा मतलब है कि इंस्टॉलमेंट इक्वली जा रही है, मतलब वो एक तरह की क्या हो गई? एन्युटी हो गई। एन्युटी का मतलब क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने पढ़ा हुआ है कि जब आप एक फिक्स अमाउंट फिक्स इंटरवल में पीरियोडिकली बार बार पे करते हो, दैट इज नोन एज एन्युटी, ठीक है ना। अब होता क्या है कि एन्युटी में क्या होता है कि एन्युटी फैक्टर दिया रहता है। एन्युटी फैक्टर का मतलब होता है कि वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है किसी चीज का, पीवी फैक्टर या एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मतलब हो गया कि अगर उस फैक्टर से आप किसी चीज को मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, उसमें से इंटरेस्ट ऑलरेडी अपने आप क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो अगर आपके पास एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है तो आप बस इंस्टॉलमेंट अमाउंट को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा जो है, तो आपका उसका कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी वैल्यू, ठीक है। फिर जो आएगा कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट, उसमें से फिर आप डाउन पेमेंट ऐड कर दो, तो आपको आपका क्या आ जाएगा, आपका जो है तो कैश प्राइस आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखो, ऑन 1st of April 2021 अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाइज ऑन हायर परचेज सिस्टम अ मशीनरी फॉर ₹75,000 पेबल बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 75,000 की एक मशीन थी जिसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में परचेज किया,
तो 75,000 रुपीज की मशीन, थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 25,000 रुपए। ठीक है, समझ में आया इंस्टॉलमेंट कैसे आया, 75,000 की मशीन थी, तीन इंस्टॉलमेंट है, तो आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई, एक इंस्टॉलमेंट 25,000 रुपए। पेबल बाय थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 5% पर एनम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट, अज्यूम दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 रुपीज फॉर थ्री इयर्स एट 5% इंटरेस्ट इज 2.723। ठीक है, आपको पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है एन्युटी का, और आपको इंस्टॉलमेंट पता है, तो देखो सिंपल सा इसका हो जाएगा कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 25,000 जो आपकी एन्युटी अमाउंट है या इंस्टॉलमेंट है, इनटू एन्युटी फैक्टर कितना है 2.723, तो कितना आ जाएगा ये 68,075, और कैश प्राइस कितना हो जाएगा, कैश प्राइस भी यही हो जाएगा क्योंकि डाउन पेमेंट तो दिया ही नहीं है ना, अगर डाउन पेमेंट होता तो आप क्या करते 68,075 प्लस जो भी आपका डीपी होता, डाउन पेमेंट होता तो आपका वही आ जाएगा, डाउन पेमेंट यहाँ कुछ दिया नहीं है मतलब जीरो है, तो आपका कैश प्राइस कितना आ जाएगा 68,075। समझ में आई बात, अगर अब देखो यहां पे आपको एन्युटी फैक्टर दिया था बड़ी आसानी से आपने कर लिया, अगर एन्युटी फैक्टर नहीं दिया होता ना तो भी आप कर सकते थे, कैसे देखो ऐसे कर सकते थे अपन जो ऊपर मेथड सीखे थे, थर्ड ईयर है देखना सेम ही अमाउंट आएगा, थर्ड ईयर इंस्टॉलमेंट उस टाइम पे कितनी ड्यू है 25,000 रुपए, अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट बाहर करना चाहूं तो क्या होगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट मतलब 105, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1190। वैसे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप दोनों मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है, एन्युटी मेथड से तो बहुत आसान था ये आपका आ गया, अगर आप विदाउट एन्युटी फैक्टर करते तो कैसे करते, तो ये आपका हो गया क्या इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 1190 रुपए, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचेगा यहाँ पे 23809, ठीक है ये सॉरी चलो पॉइंट या 1 रुपए का डिफरेंस होगा उसको आप कंसिडर कर लें फ्रैक्शन के कारण है, ठीक है। सेकेंड ईयर में आ जाओ, सेकेंड ईयर में देखो आपका 25,000 तो सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट है प्लस आपका जो क्या है थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा 23809, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 48809, ठीक है। अब इंटरेस्ट निकाल लो 48809 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 105, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 2324, और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचेगा 464485। थर्ड ईयर पे आ जाओ, थर्ड ईयर तो अब यहाँ पे देखो 25,000 रुपए तो फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट हो गई प्लस सेकेंड और थर्ड ईयर का मिला के प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 46485, तो ये टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा 71485, इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी 71485 ये इतने बड़े क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं, बट मैं आपको इसलिए करा दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि कभी आपको ऐसे कैश प्राइस बैकवर्ड कैलकुलेशन करके करना पड़े तो आप कर पाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो जाएगा 68081, ये हो गया आपका क्या कैश प्राइस, यहाँ पे कितना आया था 68075 68071, ठीक है 6 रुपए का डिफरेंस है क्योंकि वो फ्रैक्शन या अप्रोक्सीमेशन के कारण है, ठीक है। तो ये था आपका कैश प्राइस निकालना, ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम हायर परचेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं,
वो है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजेक्शन। तो आप बेसिक इसको अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होते हैं ना वो अकाउंटिंग पार्ट से ही आते हैं, कि जर्नल एंट्री कैसे करना है, कैसे रिकॉर्डिंग करना है, बैलेंस शीट में कैसे उसको रिफ्लेक्ट कराना है, कैसे दिखाना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।